C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आप ये गंगा जल सबसे पहले घर के द्वार पर, फिर लड़की पर और फिर सारे घर के अंदर छिड़क दीजिए। अरे 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 कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माई आपसे मिलना चाहती है। अनुप्रिया, कौन है ये लड़की? तुम कैसे जानती हो इसे? क्या होगा अंजाम जब बदले की आग में अनुप्रिया के घर जा पहुंचेगी कल्याणी? ये शहर की लड़कियाँ ऐसी होती है, कपड़े तो देखो। कल्याणी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। इस औरत के कमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो माफी के लायक ही नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना तो आप लोगों का और भी बहुत नुकसान कराते। कल्याणी, गलती हुई है ना तो अब सजा तो भुगतनी ही होगी। तुम्हारे पास कल तक का समय है, अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो वो घर में कदम नहीं रखेगी। क्या होगा अंजाम जब आउस साहिब के गुस्से का सामना करेगी बदले की आग में जलती कल? इस मंगलवार देखिए। आज रात के लिए उस घर में मत जाओ। ये काम छोड़कर अगर आउस साहिब ने तुम्हें देख लिया ना घर के अंदर, तो पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठेगी। कि मैं तुम्हारा मोबाइल ले ही लिया। तुम क्या होगा जब आउस साहिब अनुप्रिया को कल्याण की मदद करते हुए देख। बेटा दरवाजा खोलो। अरे कुछ तो जवाब दो। तुम दरवाजा तोड़ दो। क्या होगा जब आऊ साहिब देखेंगी कल्याणी और अथर्व को बंद एक? लेकिन उस लड़की का बाप है कौन? वो जिंदा तो है ना? वो ठीक है, वो है कहाँ? ये आदमी अतुल देशमुख इसी जेल में है ना? ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। कल्याणी क्या कह रही थी? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भाई ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेड़नेकर के पास कैसे पहुंच गए? जवाब दो अनुप्रिया। कल मेरी माँ की 13वीं है और मैं घर में उनके लिए पूजा रखना चाहती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सब भी आए और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आओ साहब, कौन है ये लड़की? और गणेश स्थापना के दिन घर में 13वीं, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मैंने कहीं पढ़ा है अगर किसी के गुजर जाने के बाद 13वीं नहीं की जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मॉम की 13वीं की पूजा पर और खाना खाने आए और मुझे आप सबकी हेल्प भी लगेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई गलती या नादानी की वजह से मेरी माँ की आत्मा को शांति ना मिले। आओ साहब, पहले तो इसे आपके परिवार में कभी नहीं देखा। कौन थी इसकी माँ और कैसे हुआ इसकी माँ का देहांत? बस ये कुछ दिनों की मेहमान है। तेरवी के लिए लगने वाला सम्मान, वाइट फ्लावर्स, घी और पिंडदान। देखो कोशिश भी मत करना, 13वीं होकर रहेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे भले के लिए ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। पल्लवी, विवेक तैयार हुआ कि नहीं? उसे गणपति की मूर्ति लेने के लिए जाना है ना? क्या
अरे मंदिर के दान पेटी में आवाज छोड़ कर आई हो क्या? औसाहिब, आईने ना गणेशोत्सव के मौके पर आपकी सेहत और लंबी उम्र के लिए मौन व्रत रखा है। अगुबई हो, अच्छी बात है। पल्लवी अगर थोड़ी देर चुप रहेगी तो घर में शांति रहेगी। सदा घर के काम करते रहोगे तो फैक्ट्री का काम कौन करेगा? चलो आओ मेरे साथ, साड़ियों की घड़ियां अच्छे से करना। मौन व्रत तो रखा जरूर है लेकिन इनकी सेहत के लिए नहीं। हे गणपति बप्पा, कोई चमत्कार करके ना इन्हें अपने पास ही बुला लीजिए। गिने हुए आलू और टमाटर की सब्जी बनाते बनाते थक गई हूँ मैं। वैसे भी इनकी बात तो इस घर के आओ साहब मुझे ही बनना है, क्योंकि अपर्णा ताई को ये पदवी तो कभी मिल ही नहीं सकती, और माई तो खैर किसी काम की नहीं है। हम तुमसे मिलने के लिए आने ही वाले थे अनुप्रिया, क्या सोचा है कल्याणी? साहब, मैं सोच रही थी कि कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें और साहब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है, अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस बारे में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अगले हफ्ते देखिए कि अपनी बहन रेवती को पर्व के जाल से निकालने के लिए गुड्डन पहुंची अक्षत के पास मदद मांगने। क्या अक्षत करेगा गुड्डन की मदद और बचा पाएगा रेवती को पर्व के जाल से? अब क्या नया मोड़ लेगी अक्षत और गुड्डन की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अब तेरा राम यहाँ आएगा मेरी लंका में, मैं चलाऊंगा उसे। तेरा और तेरी लंका का अंत मेरा विमान करेगा, देखियो। आज मैं तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत करूंगा। एक ओर जहां पीकू बनी पुचकी है साजिशों के रंजिश से अनजान, वहीं दूसरी ओर फिर एक चक्रव्यूह रच रहा है उसके खिलाफ। अरे ओ छोटे चिकने, मेरा भी ऑर्डर ले जा। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़, जानने के लिए सोमवार का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। Miss crying. इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। You know, एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? ए लड़की रुक, माथा बता अपना। तू बहुत जल्द किसी अपने को खोने वाली है। हम रुखसार की बहन के देवर हैं, और ये भी सच्चाई है कि हम रुखसार के नाम महरम हैं, और सबसे बड़ा सच मासूम की जान खतरे में सर। पर रुखसार के लिए महरम बन सकते हैं। रुखसार के साथ निकाह कर लो और उसे अपनी बीवी बना लो। वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसकी दो सबसे चहेते हिस्से जिंदगी के उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी, क्योंकि अब ये दो माओं की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से है सब अनजान? अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ। जानिए आपके आ जाने से की अग...